नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें प्रसन्नता मिलती है ये जानकर कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 और 7 दिसंबर 2020 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह के आने वाले ये दो दिन कैसे रहेंगे, क्या बड़ी घटनाएं आपके साथ आपके जीवन में इन दो दिनों में घटने वाली हैं, क्या क्या बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, शुभ समाचार मिलेंगे, क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं, नौकरी करियर व्यापार आपका प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन स्वास्थ्य शिक्षा आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। देखिए, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर हम जानेंगे दिसंबर माह के ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इन दो दिनों में क्या क्या शुभ योग आपके लिए बन रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति रहेगी। 6 दिसंबर की पहले बात कर लेते हैं। मित्रों, 6 दिसंबर को कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, अश्लेषा नक्षत्र है, इंद्रा नाम का योग है, साथ में वैधृति नाम का योग है। दो दो योग आज आपके लिए बन रहे हैं जो आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेंगे। रविवार का ये दिन है, चंद्रमा कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर होगा सुबह 3:45 पर, जब चंद्रमा कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। बात करें अगर 7 दिसंबर की तो 7 दिसंबर को कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, माघ नाम का नक्षत्र है, विषकुंभ नाम का योग रहेगा, सोमवार का ये दिन है, चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेंगे जबकि सूर्य भी वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, ये था इन दो दिनों का ग्रह नक्षत्रों का हाल। इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे इन दो दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से प्रभावित होगी, उसमें क्या परिवर्तन होंगे, कार्य क्षेत्र में क्या बदलाव होंगे। देखिए, वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि कुछ सावधानियां भी हैं जिनको बरतना इन दो दिनों में आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और देखिए, वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत पावरफुल उपाय बताऊंगा, बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, जिसको करने से आपको जीवन में बहुत लाभ होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपका प्रेम जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, घर परिवार में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, और इसके अलावा आपके हर काम समय से पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहें और इस उपाय को जरूर सुनें और करें। चलिए बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। देखिए, नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है और यहाँ पर चंद्रमा इस भाव को सक्रिय करेंगे, तो ये समय होगा तुला राशि के लोगों को अपने भाग्य में बढ़ोतरी करने का। इन दो दिनों में आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी और आपको अपने जो बिगड़े हुए काम थे अब आपके भाग्य के बल पर बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस तरह से भाग्य में बढ़ोतरी होगी, इसलिए समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है, जो बिगड़े हुए काम थे, जो रुके हुए काम थे। साथ ही देखिए, इस समय आपने किसी रिश्तेदार से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, इस समाचार से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, यानी खुश होने का ये समय है। इसके अलावा इस दिन की शुरुआत से ही आपके आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि होगी, आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने काम के प्रति, अपने सभी आप सारे काम आसानी से पूरे कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट की मात्रा ज़्यादा होगी। जब इंसान के मन में कॉन्फिडेंस होता है, किसी भी काम को आसानी से पूरा कर लेता है। इसके अलावा देखिए, इस समय आप अपने आसपास के लोगों को भी काफ़ी कॉन्फिडेंट करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पर आप अपने कामों को तो सही समय पर पूरा कर पाएंगे, इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं उन पर भी आप अपनी अलग साख बना पाएंगे। देखिए, जो लोग आपसे जुड़े हैं आप उनको भी साहस देने का काम करेंगे, आपके जो काम हैं वो इस समय
अपने हिम्मत के बल पर आप आसानी से पूरे कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो भाग्य का सपोर्ट है इन दो दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो जातक भूमि से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम करते हैं या फिर आप मिट्टी रेत खादान का काम करते हैं, यानी से भूमि से जुड़ा हुआ आप कोई भी किसी भी तरह का काम करते हैं, तो उन कामों में आपको बेहद लाभकारी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। बड़ा मुनाफा आपके हाथ लगेगा। ख़ास तौर से देखिए, यहां पर 7 दिसंबर का दिन, क्योंकि यहां बहुत अच्छे शुभ योगों के साथ यहां पर आपके लिए समय लेकर आया है। और अगर काफ़ी समय से किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना आप चाहते थे या बेचना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी शानदार है। उसमें आपको बढ़त दिखाई देगी। वो सभी काम इस समय पूरे हो सकते हैं। मित्रों, इन दो दिनों की शुरुआत जो होगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। धार्मिक कार्यक्रमों का भी इस समय आप हिस्सा बन सकते हैं, यानी धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका मन पूजा पाठ जैसी चीज़ों में ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपको शांति का आभास होगा। मित्रों, आपकी शुरुआत यहाँ पर आपके लिए बेहद ख़ास बनी हुई है। इसके अलावा देखिए, ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कोर्ट कचहरी के कामों से जुड़े हैं, या फिर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो वहाँ से आपके लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है या कोई फैसला आपके हित में आ सकता है। मित्रों, बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आपको इसमें सफलता देखने को मिले। साथ ही देखिए, इस दौरान आपको लाभ कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, यानी आपके आसपास प्रसन्नता भरा वातावरण रहेगा और ये वातावरण आपके दिल को प्रसन्न कर देगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। देखिए, ये समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता दिला सकता है। आपको जो आशा है उसके अनुसार ही आपको सफलता मिलेगी। साथ ही इस दौरान आप अपने जिस भी काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसे ज़रूर करें, उसको पूरा करके आपको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि इस समय भाग्य का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। साथ ही देखिए, जीवन में सुख सुविधाएं भी इस समय आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। किसी नई चीज़ की खरीदारी इन दो दिनों में आप कर सकते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल बना रहेगा। और इसके अलावा देखिए, आपके घर के ऑफिस का माहौल काफ़ी अच्छा होने के कारण इस समय आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। ऑफिस में भी माहौल अच्छा रहेगा, घर में भी माहौल काफ़ी खुशनुमा रहेगा। परिवार के लोग हर स्थिति में आपके साथ खड़े होंगे। परिवार का पूरा सपोर्ट इन दो दिनों में आपके साथ होगा। देखिए, अगर आप किसी पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं या व्यावसायिक किसी भी पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इन दो दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद योग बन रहे हैं और ये योग आपके व्यापार को नई दिशा में लेकर जाएंगे। इस राशि के जो जातक मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर फिल्म जगत से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छी सफलता लेकर आया है। दोस्तों, ये समय ऐसा होगा, यहाँ जिस भी प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं वहाँ सफल होने की पूरी संभावनाएँ इन दो दिनों में आपके लिए बन रही हैं। इन दो दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो आपको आपके हर क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ पहुंचाने वाले हैं। इसलिए आपको इस समय अपने पूरे प्रयास के साथ काम करना है, जिससे आप अपने सभी प्रयासों में सफल हो सकें। इसके अलावा देखिए, कारोबारियों के लिए भी ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला साबित होगा। इन दो दिनों में अगर इस राशि की नौकरी करने वाले लोगों की हम बात करें, तो देखिए, उनको इस समय अपने कार्य क्षेत्र में अपनी नौकरी में अच्छी सफलता हाथ आएगी। इस दौरान आपकी नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, जो आपको काफ़ी खुश कर देगा। और अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा उधार दिया था, तो पैसा भी इस समय आपके हाथ में वापस आ सकता है, आपको वापस मिल सकता है। जिसकी उम्मीद आपको ना हो कि यहाँ से आपको पैसा मिलेगा, तो वो व्यक्ति आपका पैसा इस समय आपको उधार दे सकता है, बस आपको उससे अपने पैसे की मांग करनी है। इस समय अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत करें और उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। मित्रों, इस राशि के जो जातक अपने बड़े भाई बहनों का सपोर्ट चाहते हैं, तो उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां भी बहुत शानदार हैं और परिवार में आपका सकारात्मक रवैया, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे, यानी किसी बीमारी से परेशान थे, बीमार थे, तो इस दौरान उसमें आपको आराम मिलेगा। सामाजिक जीवन में भी आप इस समय अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही यहाँ आपकी अपने पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, इन दो दिनों में आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की अगर आपकी बात करें, तो देखिए, आपको ज़रूरत होगी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, आर्थिक स्थिति आपकी तभी अनुकूल रहेगी। चलिए बताते हैं एक विशेष उपाय। मित्रों,
चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, दूध दही चावल या आटा, इनमें से कोई भी एक चीज का आप दान करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जरूर लिखें, अपना ख्याल रखें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।